हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं बात करने वाला हूं गूगल मैप की। अगर आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं और वह ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमें सबसे पहले अपने गूगल मैप को ओपन करना है और मैं जैसे ही गूगल मैप को ओपन करता हूं तो ये हमारा गूगल पे ओपन हो गया है। इसे हम सेटेलाइट करते हैं, तो सेटेलाइट हो गया। ये मेरे में ठीक से वर्क कर रहा है, मगर किसी के में अगर सही से काम नहीं करता तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद में आपको मैनेज ऐप्स में जाना है और मैनेज ऐप्स में जाने के बाद में आपको गूगल मैप्स को देखना है। तो ये मैं मैप्स को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में इसमें आपका आता है ऐप परमिशन। तो इसमें आपने जो परमिशन अलाउ कर रखी हो उसे आप एक बार बंद चालू कर लीजिए। तो मैं इसे बंद चालू कर लेता हूँ और बैक चले जाइए। अगर फिर भी ठीक नहीं हो तो आप इसमें एक रहता है क्लियर डाटा, तो इसमें आप क्लियर डाटा कर दीजिए। अगर आपसे कोई सेटिंग ख़राब हो गई हो तो उसमें ये फिर से वापस नया होके काम करेगा, तो इसमें आपकी जो भी सेटिंग गलत हुई है वो ठीक हो जाएगी और ये ठीक से वर्क करेगा। और अगर फिर भी सही से काम नहीं करता तो आप इसे अपडेट कर लीजिए। तो अपडेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको सिंपली टाइप करना है गूगल मैप। गूगल मैप, गूगल मैप में जाने के बाद में आपको सिंपली ऊपर की तरफ टिक करना है और अगर अपडेट नहीं हो तो इसे अपडेट कर लीजिए। तो मैं पहले अपडेट कर चुका हूँ, तो ये ओपन बता रहा है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। और फ्रेंड, ये मेरे मोबाइल में अभी भी ठीक से वर्क कर रहा है, तो अगर आपके फ़ोन ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए।